हेलो गाइस, तो सब्सक्राइब करो गेमिंग दिस चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियोस। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल गेमिंग विद बिस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू शो द वीडियो ऑफ ICWL वॉर बिटवीन वॉर टिल वी डाई एंड थिंग ड्यूएल। सो गाइज लेट्स सी हु वन द तो यार काफ़ी अच्छी वॉर हुई थी हमारे लिए, वॉर टिल वी डाई। और हमारे क्लैन ने थिंग ड्यूएल, जो मिजोरम चैम्पियंस हैं, उन्हें हरा दिया और बहुत ही कम्फर्टेबली हराया, 82-75। तो काफ़ी अच्छी वॉर थी यार। और ICWL की हमारी स्कोर अब सही चल रहा है, अभी तक हमारी एक ही लॉस हुई है असम लीगन से। तो काफ़ी अच्छी वॉर हुई थी और काफ़ी अच्छे अटैक्स हुए थे उनने हमारे यार। 10v11 नहीं कर पाए वो, बस वरिंदर हुआ। तो अब मैं तुम्हें यार बेस्ट अटैक्स दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, मैं फर्स्ट तुम्हें एक 11v11 दिखाऊंगा जो मैंने गब्बर से और शुभम से करा था। पहले गब्बर से जो करा था वो दिखाता हूँ। ये अटैक बहुत सही हुआ था यार, बहुत सही। इससे पहले मैंने एक बार ट्राई करता, उसमें 48% ऑफ 1 स्टार हुआ था। फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करा परसेंटेज के लिए और इस बार यार बिल्कुल सही हुआ। दैट टू 34 की क्वीन थी बस, मैक्सड आउट भी नहीं थी। और काफ़ी सही क्वीन पे रेट छोड़ा, जिससे यार यहाँ की बिल्डिंग्स भी दोनों टेक डाउन हो गई और सी सी टूब्स भी टेक डाउन हो गए। हाँ थोड़ी क्वीन लो थी इसलिए मुझे एबिलिटी यूज़ करनी पड़ी थी इस बार। और फिर इसको बेबी ड्रैगन से फनल क्रिएट करा और उसके बाद फिर नॉर्मल क्वीन वॉक स्टार्ट करा, जिससे यार क्वीन का फनल सही बना था और जिससे क्वीन अंदर जाए। और लिटरली वही हुआ, ये एयर डिफेंस टेक डाउन करना था और वो एयर डिफेंस आराम से टेक डाउन हो भी गया। और फिर जैसे ही एयर डिफेंस टेक डाउन हुआ, मैंने रे मतलब ये थोड़ा आगे छोड़ना था बट स्टिल बिल्कुल सही गया ये। फिर यार एक प्रॉब्लम हुई थी कि इन्फर्नो ने क्वीन पे टारगेट कर लिया था, अभी देखना। और क्वीन थोड़ी जल्दी टेक डाउन हो गई, जितनी जल्दी यार टेक डाउन करना नहीं था क्वीन को। और फिर इस साइड से मैंने बोलर्स और किंग और यहाँ पे एक दो विजार्ड छोड़े, जिससे यहाँ की बिल्डिंग्स आराम से टूट जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए सारी। और फिर रेड स्पेल भी छोड़ा और क्वीन की किंग की भी एबिलिटी यूज़ कर ली और फिर यहाँ वाली सारी बिल्डिंग्स टेक डाउन हो गई। और अब ईगल आर्टरी भी अनलॉक हो गई थी, क्योंकि मैक्सिमम 180 जो ट्रूप्स होते हैं वो हो गए थे किंग और क्वीन मिला के। और फनल ड्रैगन्स के लिए बहुत ही अच्छा क्रिएट हुआ था। और फिर एक रेड स्पेल और एक फ्रीज ऑन द इन्फर्नो और एक्सपो पे एक, और फिर यार यहाँ पे एक अर्थक्वेक स्पेल काफ़ी ओपी था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है यार, बहुत ही काम आता है अर्थक्वेक, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स कवर कर देता। 48% अगेन 48% पे लॉक हो गया था बट इस ड्रैगन ने काफ़ी अच्छा परसेंट ले आया। और यहाँ पे फिर एक आर्चर और फिर ड्रैगन भी बचा था, तो लास्ट पर आराम से 2 स्टार हो गया ये अटैक। और देख सकते हो 53% और 2 स्टार, तो काफ़ी अच्छा अटैक हुआ था। और अब मैं यार तुम्हें 2 10v10 दिखाऊंगा। इस बार हमारे 2 10v10 हुए और 10v10 बहुत ही ओपी अटैक्स हुए हैं, लिटरली मतलब बहुत ही अच्छे अटैक्स करे हैं। सरदार नव ने, जानते होगे तुम सरदार नव, ए असम ऑटोबॉट्स 3 का है, फ्रॉस्टी से भी उसने करा अटैक और बहुत ही अच्छा अटैक करा। और ये बेस तुम देख सकते हो काफ़ी सही था, ये बेस 40 का किंग क्वीन वो किंग और 32 का किंग और मैक्सड आउट बेस था। और फर्स्ट ईयर स्ट्रैटेजी देखना, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करी, यहाँ पे बेबी ड्रैगन से फनल क्रिएट करा और एक दो विजार्ड से फिर एक टेस्ट वॉल ब्रेकर, क्योंकि यार ये फ्रेश हिट था, नहीं फ्रेश हिट शायद नहीं था इस पर, एक बोविच हुआ था इस बेस पे। देन फिर किंग और क्वीन इस साइड से, जिससे यार वो डायरेक्ट देख सकते हो कि तुम टेस्ला को भी टेक डाउन कर दिया। और जो मेन हमें इन्फर्नो टेक डाउन करना था और बेनिफिशियल था कि ये अगर एयर डिफेंस भी आ जाता तो काफ़ी हेल्पफुल होता, तो क्वीन ने बिना एबिलिटी के आराम से टेक डाउन कर दिया इन्फर्नो और फिर एबिलिटी के साथ एड्स भी टेक डाउन हो गया, जो काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करा। फिर तो यार क्वीन रेज्ड थी देख सकते हो, यहाँ पे एक हिट से डायरेक्ट लून्स अंदर जाएँ, लावा सीसी को उन्होंने फर्स्ट यूज़ करा, देन 3-3 लून्स ऑन ईच साइड, देन फिर उसने रेज ओ हेज स्पेल यूज़ करा। और फिर यार पाथिंग देखो लून्स की कितनी अच्छी हुई, फनल इतना सही क्रिएट करा था। और यहाँ पे थोड़ा जल्दी यूज़ हो गया था बट स्टिल फ्रीज
बिल्कुल सही जगह छोड़ा था, और यहाँ पे देख सकते हो दो स्केलेटन स्पेल्स, जिससे क्वीन भी बिजी हो जाए, विजार्ड टावर भी बिजी हो जाए इन स्केलेटन्स पे और बलून्स को टारगेट ना करे। और क्वीन यार एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, इस विजार्ड टावर के नीचे आ गई थी, और फिर तो यार देख सकते हो ज़्यादा बिल्डिंग्स बची नहीं है, और एक हे स्पेल और वहाँ पे भी हेल्थ कम हो गई है। इस साइड यहाँ पे एक टेस्ला थी, बट वो भी लून्स ने टेक डाउन कर दिया, और फिर एक जो लावा था लास्ट वाला वो भी लावा आउट हो गया, बट बहुत सारे लून्स बचे हुए थे स्टिल, और बस एक एयर टारगेटिंग दो एयर टारगेटिंग बिल्डिंग्स थी और वो आराम से टेक डाउन हो जाती, क्योंकि 5 to 6 लून्स हैं और वो एक एक्सपो यार उतना मैटर नहीं करता अगर बहुत क्लोज हो तो। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा अटैक था सरदार नव्स का फ्रॉस्टी से, और ये बहुत आराम से फिर लास्ट में बस क्लियर करना बचा था, बहुत सारे लून्स मिनियंस और लावा पफ्स थे, तो बहुत ही अच्छा अटैक था। और एक और सरदार नव ने सेम स्ट्रैटेजी से 10v10 हिट करा सेकंड, इसमें बस इन्फर्नो सिंगल टारगेट थे, बट स्टिल बेस तो काफ़ी सही था हीरोज ओपोनेंट, तो सॉरी ये तो स्टिंग का अटैक है 9v9 एक सेकेंड। तो अब मैं अटैक दिखाता हूँ, लास्ट बेस उनका था शायद 12 और 12 क्लिक ब्राउन सरदार नव ने करा, और इस पे भी बहुत ही सही स्ट्रैटेजी, पहले लून्स छोड़े वो सॉरी क्वीन छोड़ी, देन उसके पीछे हीलर्स, और इसमें यार देखना क्वीन का क्वीन की पाथिंग कितनी सही करी है, जिससे क्वीन बिल्कुल सही जगह जाए। फिर देख सकते हो तुम उसका बेबी ड्रैगन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करा फनल, और यहाँ पे इस कैनन को भी टेक डाउन कर दिया। फिर यार ये बहुत इम्पोर्टेंट था, हॉक्स ने यहाँ के उसको सीसी ट्रूप्स को ल्योर कर दिया, क्योंकि सीसी ट्रूप्स ल्योर अगर नहीं होते तो शायद ये 3-star ना होता। और यहाँ पे किंग से एक और फनल क्रिएट करा जिससे क्वीन अंदर जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही हुआ एग्जैक्ट। इस पर मैंने भी हिट करा था, बट मेरे में यही प्रॉब्लम हुई थी, क्वीन अंदर नहीं गई यार, पता नहीं क्यों बिल्कुल अंदर गई नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर दी, क्योंकि सिंगल टारगेट इन्फर्नो अगर लॉक्ड होता है क्वीन पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डैमेज करता है क्वीन पर। फिर अब उसने लून की पाथिंग 3-3 लून स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे हेस्ट पे एक लावा, और यहाँ पे एक और हेस्ट, शायद हेस्ट गलती से छूटा था, बट सही छूटा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लून्स पे एक रेज, और यहाँ पे क्वीन अभी भी अलाइव है क्योंकि उसके पीछे 4 to 5 व्हीलर्स है, और एक भी एयर माइन सीकिंग माइन अभी तक नहीं आई थी। और यहाँ पे फिर इतने सारे लून्स और एक रेज एक हेस्ट और दो लावा भी था, और इतने सारे लून्स है, तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी ईजिली ये बेस क्लियर हो गया। देख सकते हो अब इतने सारे कम से कम 15 लून्स बचे हैं यार, और आराम से पूरा बेस हो गया। क्वीन भी मैक्स हेल्थ और इतने सारे एयर टारगेटिंग मिनियंस या फिर ये लून्स हैं, तो बहुत ही अच्छा सरदार नव का 2 10v10 हिट्स करे यार, तो ह्यूज शाउट आउट टू सरदार। अब मैं तुम्हें एक और 10v11 दिखाता हूँ, 10v11 बहुत ही सही करा था, ये मैंने अपने अकाउंट से ही करा था, और ये तो फ्रेश सेकेंड हिट था शायद, ये ड्रैगन से ही करा, और बहुत सही स्ट्रैटेजी। पहले मिनियन से परसेंटेज यार एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो कौन नहीं लेगा मिनियन से माइनियन से एक्स्ट्रा परसेंटेज के लिए। बैरिक्स पे 1 2 3 4 5 6 शायद 6 to 7 माइनियंस यूज़ करे थे फॉर एक्स्ट्रा परसेंटेज। फिर एक लून से सीसी ल्योर करे, क्योंकि सीसी में लावा नहीं था यार, विच और बेबी ड्रैगन था, और उन्हें टेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं ड्रैगन अटैक में वरना। तो फिर देख सकते हो एक बेबी ड्रैगन छोड़ दिया, बेबी ड्रैगन ने यार बहुत अच्छा इसको भी टेक डाउन कर दिया जो विच थी। और फिर यहाँ पे अब बस फनल क्रिएट इस साइड से करना था, और इस साइड पे मैंने वॉल ब्रेकर छोड़े, वॉल ब्रेकर जहाँ छोड़ना चाह रहा था वहाँ गई नहीं, इसलिए क्वीन की एबिलिटी वॉकिंग की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ी, और फिर क्वीन की भी एबिलिटी यूज़ कर दी, क्योंकि यार उस पर कैनन लॉक्ड हो गया था, बट स्टिल जो चाहिए था वो मिल गया था। और यहाँ पे एक हेज रेस्ट दो रेस्ट यूज़ करे फॉलोड बाय लावा, मतलब लावा के पीछे लून्स फॉलो कर रहे थे, और मैं बेसिकली यही चाहता था कि यहाँ वाली बिल्डिंग्स आउट हो जाएं, जिससे ड्रैगन क्वीन पे लॉक्ड हो जाए और डायरेक्ट सारे अंदर जाएं, और यही हुआ एग्जैक्ट। देख सकते हो तुम ड्रैगन सारे अंदर गए, क्योंकि वहाँ पे क्वीन ने अट्रैक्ट करा था तुम, और एक ड्रैगन लॉक्ड था टाउन हॉल पे, और एक ड्रैगन विद रेज स्पेल बहुत होता है यार 3-star वो 2-star के लिए, और फिर देख सकते हो इतना ईजी आराम से 2-star हो गया 53%।
तो काफ़ी सही अटैक था, सेकंड हिट था बस, तो यार काफ़ी अच्छे 10v11 और 10v10 हुए। तो अब मैं 9v9 तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो यार आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो, और यार गिव अवे का रिजल्ट जल्दी से इंस्टाग्राम पे चेक करो, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। जैसा मैं कहता हूँ कि पुराने व्यूअर्स लाइक करो, नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी कल या आज डालूंगा 9v9। तो यार स्टे ट्यून्ड गाइज, दैट्स इट, दैट्स गेमिंग विद बिश साइनिंग ऑफ।